मैं अभी मौजूद हूँ अकोड़ी गोला स्थित अकोड़ी गोला बाजार पर, और आज हम बात करते हैं शराबबंदी की। जब नीतीश कुमार ने बिहार के मुखिया 2016 में जब पहली बार शराबबंदी की थी, उस समय सभी विपक्षी पार्टियों ने नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया था और शुभकामनाएं भी दी थी। पर स्थिति आज यह बन गई है कि नीतीश कुमार के ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी पूरी तरह धरातल पर फेल है, नीतीश कुमार के ऊपर हत्या का आरोप होना चाहिए। आखिर क्या आम व्यक्तियों के ऊपर मन में चल रहा है, इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ ग्रामीण लोग भी बैठे हुए हैं। क्या नाम है? शराबबंदी जब बिहार में लाएगी और किस प्रकार से देखते हैं शराबबंदी के समर्थन में आया? तो कई लोग या कई पार्टियां कह रही है कि शराबबंदी पूरी तरह धरातल पर फेल है, क्या कर सकते हैं? प्रशासन के लिए फेल है। सरकार कह रही है लेकिन प्रशासन उसी को नहीं पहुंच रही है। प्रशासन की जवाबदेही है, शराबबंदी के आप समर्थन में है या नहीं है? समर्थन में है, शराबबंदी के समर्थन में। एक ग्रामीण लोग हैं, गांव के रहने वाले लोग हैं, आम व्यक्ति है, नेता नहीं है, ये शराबबंदी के समर्थन में। जब नीतीश कुमार ने 2016 में बिहार में शराबबंदी किया था, सभी सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया था, पर आज क्या स्थिति बन गई कि शराबबंदी के लोग कई सवाल उठा रहे हैं? चलिए, शराबबंदी बंद होना चाहिए, प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा, यही कहना चाहिए। क्या आम लोगों का ये दायित्व तो नहीं बनता है कि शराबबंदी को लेकर के जागरूकता करें? शराबबंदी तो है ही, आपने अभी कहा कि शराबबंदी को लेकर के प्रशासन पूरी तरह फेल। क्या आम लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती है जागरूक करें शराब के हित में, शराब के जो बुराइयां है जिससे परिवार नाश करता है, लोग जागरूक करें, है ना? क्या ना बताया आपने? देखिए, पूरी तरह प्रशासन पर ये थोप देना कि शराबबंदी को लेकर के प्रशासन पूरी तरह फेल है, इसमें भी कहीं ना कहीं बवन सिंह यादव। शराबबंदी बिहार में 2016 में नीतीश कुमार जब लाए थे, काफी लोगों ने समर्थन किया था, पर यूं जो समय बीतता गया, आम लोगों के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी बोल रही है कि समाज की शराबबंदी बिहार में धरातल पर लागू नहीं है और इसको हटाना चाहिए। आपकी क्या राय है? बिहार में शराब चालू होना चाहिए, शराब चालू होना चाहिए। क्यों शराब चालू होना चाहिए? इसलिए कि शराब बंदी है कहाँ, शराब तो ऐसी खुलेआम बिक रहा है। शराब जहाँ पहले एगो बाजार में भट्टी चलता था, अब बाजार में सैकड़ों भट्टियाँ चल रही है। तो क्या आप चाहते हैं कि शराबबंदी चले, जब शराबबंदी हो, शराबबंदी नहीं थी बिहार में तो लोग सड़क के किनारे ब्याह शादी में शराब पी के लौटते थे, झगड़ा करते थे, क्या चाहते हैं वैसे ही हो? आज भी शादी ब्याह में लोग पीते हैं, कहीं महफिल होता है। हाँ जी, आपको लगता है कि शराब शादी ब्याह पी के लोग नाच रहे हैं? हाँ, नाच रहे हैं और लोग किनारे गिर रहे हैं। तो आपने कभी प्रशासन को या वरीय अधिकारी को या अपने स्तर से कभी इस चीज का अवगत कराया है कि शराब नहीं पीना? देखिए, शराब एक ऐसी चीज है, इंसान के पास जाती है तो उसका इंसानियत बढ़ा देती है, और शैतान के पास जाती है तो उसको शैतानियत बढ़ा देती है। बाजार में 2% लोग ऐसे लोग थे जो शराब पी करके गिर जाते थे, बाकी घर में छुप करके अभी 99% लोग है अभी भी शराब पी रहे हैं। शराबबंदी बंदी है ये नहीं है, शराब बंद नहीं है, जहरीली शराब बिचवा करके सरकार और बहुत सारे गरीबों को जान ले रही है। ठीक है, बबन सिंह यादव हैं, इनको लगता है कि शराबबंदी बिहार में पूरी तरह फेल है और ये शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। इनका कहना है कि शराबबंदी बिहार में नहीं है, इसीलिए शराब चालू होना चाहिए। आपका क्या नाम? जब नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू किया था, काफी लोगों ने इसका समर्थन किया था, और खास करके वे महिलाएं जो महिला उत्पीड़न की शिकार हुई थी, जिनके पुरुष पीटे थे, पर स्थिति आज ये वजह कि शराबबंदी पर सवालिया लोग मिठाई उठा रहे हैं। आपका क्या कहना है? शराब बंद होना चाहिए, और जिस तरह से कई ग्रामीण लोग या राजनीतिक पार्टियां कह रही है कि नीतीश कुमार के ऊपर हत्या का आरोप लगा है, शराबबंदी होना चाहिए। बिहार के कंधों पर या देश के कंधों पर नौजवानों का जिम्मेवारी बढ़ गई है। क्या नाम है बाबू आपका? शराबबंदी जागरूक हो जाए।
शराबबंदी बनी रहनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। देखिए नौजवान साथी है, इन्होंने कहा कि शराबबंदी के ये पक्ष में है, शराबबंदी लगी रहनी चाहिए। जब नीतीश कुमार ने शराब को लागू किया था तो शराबबंदी की तो दशहरा में सभी लोगों ने स्वागत किया, पर आज कई सवाल ये निशान लोग खड़ा कर रहे हैं, शराबबंदी ज्यादातर पर लागू नहीं है या चालू कैसे, आप किस पक्ष में? शराब बंद होना चाहिए, बंद रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए। आप शराबबंदी के समर्थन में? हम समर्थन में है। विपक्ष जितनी भी आवाज उठा ले शराबबंदी को लेकर के, पर इतने सारे लोगों में कुछ ही लोग हैं जो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि शराबबंदी धरातल पर लागू नहीं है, इसीलिए शराब को चालू करना चाहिए, परंतु अधिकतर लोगों का कहना है कि शराबबंदी से जो माहौल सुधरा है, समाज की स्थिति सुधरी है, वो जरूर जारी रहना चाहिए। देखिए क्या नाम है आपका? हमारा नाम यादव, राजद के प्रखंड अध्यक्ष। जब शराबबंदी लागू थी, हमें लगता है कि आपकी पार्टी जो 16 में विपक्ष में थी और आज आप पार्टी में है, क्यों ऐसा लग रहा है कि बराबर बीजेपी के या विपक्ष लोग करेंगे शराबबंदी धरातल पर लागू नहीं है, इसको खत्म करना चाहिए? समझ में जो पार्टियां को नहीं आ रहा है कि शराबबंदी हटा है, वो अलगी हालत करके विपक्ष के लोग हैं। लेकिन आप देखिए कि पहले समय में रोड पर पी के दारू लोग लौटता था, गाली देता था, वो आप देख रहे कहीं नहीं, कहीं नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत सीट पर मतलब पी रहा है लोग, वही मिलता है, कहीं कहीं मिल रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो बेचता है जो बनाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और शराबबंदी सख्ती से और लागू होना चाहिए, क्योंकि शराब एकदम मत बंद हो। यदि शराब लोग पीता था पहले बेचते थे तो गाँव में जाके और औरत को लाता था, गाली देता था, अभी समय बंद है, अभी बहुत कुछ कंट्रोल है, थोड़ा बहुत था उसको और लागू किया जा सकता है। पर बीजेपी को आरोप लगा रही है कि बिहार में कहीं ऐसा गाँव नहीं है, कोई दूसरा नहीं है जो शराब पी रहा है, पी रहा है। नहीं, लोग बीजेपी वाले लोग हैं जो विश्वासी है, वो खुद बिकवा रहे हैं, वो बिकवा रहे हैं। यदि सरकार की बात नहीं हो, यदि चारों लोगों का जिम्मेवारी बनती है, चाहे बीजेपी के हो या जनता दल राष्ट्रीय नेता, कोई भी पार्टी का लोग हो, सबका जिम्मेवारियाँ बनती है कि कोई भी गाँव में शराब बनता है उसको बंद करवा दे, उसको आदमी को पीने से बचा दे, जागरूकता करें, जागरूकता करें कि शराब बंद करो, बंद पियो, लेकिन वही लोग बदनाम करने के लिए सरकार के साथ जहरीली शराब जब सरकार के आगे नहीं पीना है तो आप फिर क्यों पी रहे हैं? अगर तरीके से गंदा चीज पी रहे हैं तो आप अगर मिल रहा है तो पी रहे हैं, नहीं मिल रहा है ठीक है, मिल रहा है तो वही देने वाला बिचवा रहा है कि पियो, आप लोग समझना चाहिए। चलाने में कहीं कहीं विपक्षी पार्टी कहा था, सही बात है, जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लागू किया था सभी विपक्षी पार्टियों ने इसका स्वागत किया था, पर जैसे ही सत्ता से हाथ किसी लोग हट गया तो लोग तिल मिलाने लगे और शराबबंदी को लेकर के कई सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं। क्या अपील है लोगों से, गांव घर के लोगों से, शराबबंदी जो धरातल पर नहीं लागू पड़ रही है, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि शराबबंदी को लोगों को सतर्क करें? राजद के सारे परिवार अपील करता है पूरे मतलब देशवासियों से, बिहार के राज्यवासियों से, कि आप लोग सब लोग मिलजुल कर शराबबंदी को एकदम लागू करो और लागू रखें और सबको समझावे कि गंदा से लागू करें, हाँ गंदा पीछे सबको समझाना चाहिए। इसके बाद शराबबंदी लागू की थी, सभी ने स्वागत किया था, पर हाल ऐसा है कि कई लोग असामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक पार्टियां कह रही है कि शराबबंदी धरातल पर लागू नहीं है, चालू होना चाहिए, क्या कहते हैं? दम शराब चालू होना चाहिए, नीतीश बाबू का देन है, क्योंकि पीने को सिखा है, घर घर भर ठीक हो रहा है, तो का देन है, तो गलती के ऊपर सही होना चाहिए, गलती होना चाहिए, गलती नहीं है, सही चालू करिए शराब, हाँ और शराब आप चाहते हैं कि समाज में शराब बिके, बिके आप पिए, हाँ आपके बाल बच्चे पिए, दम सब कुछ पी रहा था, हम भी पिए, नहीं नहीं हंसने की बात नहीं, अगर शराब खुलेआम बिकेगी सब कुछ पिएगा, सब कुछ पिएगा, हम भी पिएगा, बाल बच्चे भी पिएगा, नहीं इतना नहीं करता था, इतना नहीं करता था, मरने के कारण पसंद पीना चाहिए, मर रहा है, पानी वाली लोग कमाता है, हल्का फुल्का ले लिया तो कहा इतना ही राशि मिल जाता है, आज जहरीला तो मिल रहा है, कल देखावटी में बंद है, बंद नहीं है, बंद नहीं मिल रहा है, बड़का बड़का खंभा भी आ रहा है, आपको जानकारी है, पूरा जानकारी है, मिल रहा है। कभी आपने ऐसी स्थिति पैदा की है या समाज के लोगों को जागरूक किया है कि शराब शराब गलत चीज है? बोलिए, अरे गलत है, आपने समाज के लोगों को या समाज के घटाव होने के नाते कभी इसका विरोध किया है? समाज 30 बाबू भाजपा में थे, वही ना चालू कर रहे थे, आज नहीं चालू करा थे तब हम लोग का लोक नहीं लगा, शराबबंदी तो 2016 में लागू हुई है, 2016 में लागू हुआ था, हैदराबाद फिर बंद किए, ठीक है ना, अब फिर कैसे मिल रहा है बंद? तो जो समाज के बड़े पैमाने पर मुखिया है, बीजेपी है, आरजेडी है, जदयू या जो भी पार्टियां थी,
और आज भी नहीं करी कि चलो उनसे उबर रही है कि मुआवजा मिला थे मुआवजा नहीं मिला था। चले कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा कि शराबबंदी धरातल पर लागू नहीं है इसीलिए शराब बिकना चाहिए, परंतु ज्यादा जो लोग हैं सामाजिक कार्यकर्ता है आम ग्रामीण है वो सामाजिक परिवेश में रहते हैं, उनका कहना है कि शराबबंदी पर और कठोर कानून बनना चाहिए ताकि लोग सुधरे और जो समाज में जो महिला उत्पीड़न था जो समाज में झगड़ा लड़ाई होता था वो बंद हो। ऐसे ही तमाम खबरें के लिए हमारे साथ बन रहे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।